Zoom, 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 hey. Zoom, 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 hey. Zoom. जीवन छेड़े प्यार की धुन नए नए सपने आँखों में बुन मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन नए नए सपने आँखों में बुन आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम इतनी तेज साइकिल मत चलाओ गिर जाओगी। नहीं दी मैं नहीं गिरूंगी, देखो मुझे कितना मजा आ रहा है, देखो मैं नहीं गिरी। पिया मैं कह रही थी ना तुम गिर जाओगी कभी तो सुना कर, चलो मैं तुम्हें दवाई लगा देती हूँ। हेलो मिस्टर वालिया, कब आया? नहीं मैं खाए बोले हो। पापा क्या सब देख ले है आपका माले आपने आके बहुत शैतान हो गई हो। अच्छा बताओ कैसी हो तुम, सब कैसे है? पापा को ज्यादा तंग तो नहीं कर रही हो ना? नहीं मम्मा, पापा को कल नहीं कर का तो पापा के बात करो। पापा आप बात करो। मिस्टर वालिया कैसे हैं हम? अगर मैं कहूंगा कि मैं ठीक हूँ तो ये झूठ होगा। तो सच क्या है? सच तो ये है कि तुम्हारे बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बाकी सब ठीक है? हाँ बाकी सब ठीक है, बच्चे स्कूल गए थे, होमवर्क भी कर लिया, मैंने दवाइयाँ भी ले ली, सब कुछ बिल्कुल वैसा है जैसे तुम छोड़ कर गई थी। खाना खा लिया? हाँ। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं। पता नहीं मैं इतना घुमा फिरा के बात क्यों कर रहा हूँ। एक्चुअली बानी मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि आई मिस यू बानी, तुम्हारी आदत सी हो गई। इस आदत को भी आपकी आदत हो गई है मुझसे बात। मैं जल्दी वापस आऊंगी। ठीक, वैसे भी तुम्हारे आने तक तुम्हारी रिप्लेसमेंट यहाँ पर है। क्या? कृष्णा बिल्कुल तुम्हारी रिप्लेसमेंट है, बिल्कुल तुम पर है। आज डिनर के वक्त मैं फोन पर बात कर रहा था तो मुझसे कहने लगी पहले खाना खाइए बाद में फोन पर बात करिए मिस्टर वालिया। चलो अब रखता हूँ, तुम भी सो जाओ। हेलो हेलो, मंजिल तेरी देखे रास्ता। ठीक है अब सीरियसली रख रहा हूँ। बाय बाय। I love you, Bunny. Bunny.
मैं जहाँ रहूं मैं कहीं भी हूँ तेरी याद साथ है। किसी से कहूँ के नहीं कहूँ ये जो दिल मेरा ये सामान दादी के रूम में शिफ्ट कर दो। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं राशि। अब तुम्हारे कहने पर ही तो मैं इस घर में वापस आऊंगा। तो तुम्हारी मर्जी के खिलाफ मैं तुम्हें इस कमरे से जाने को कैसे कह सकता हूं? प्लीज राशि, तुम कहीं मत जाओ, मैं किसी और कमरे में चला जाऊंगा। आफ्टर ऑल अपने ही घर में मेहमान। क्या कह रहे हो तुम दोनों? कोई कहीं नहीं जाएगा, तुम दोनों एक साथ रहोगे। नहीं मम्मी जी, मैं रणवीर के साथ एक रूम में नहीं रह सकती, इसलिए मैं दादी के रूम में। मैंने कहा तुमसे राशि, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे और ना ही रणवीर जाएगा। मम्मी जी प्लीज, आप समझने की कोशिश कीजिए, मेरा रणवीर पर अब बिल्कुल विश्वास नहीं रहा। और जब विश्वास एक बार टूट जाता तो फिर जुड़ता है। सर आपके पास मैंने मानी है ना कि रणवीर इस घर में आ जाए, तो प्लीज आप अपनी ये चीज छोड़ दीजिए कि हम दोनों साथ में कमरे में। ठीक है राशि, जैसा तुम चाहो। अच्छा वक्त तो चलिए, मुझे भी सुधार के रहना। मैंने तुमको उसे क्या समझाया था रणवीर, कि तुम अपना साथ दिमाग इस्तेमाल किया करो। अगर तुम्हें रानू चाहिए तो तुम्हें राशि के साथ नॉर्मल पेश आना पड़ेगा, जताना पड़ेगा कि हाँ तुम उससे प्यार करते हो। मीठ जली कटी बातें सुनाते रहोगे ना तो अपने लिए ही नहीं मेरे लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करोगे। रणवीर तुम नहीं जानते हो मैंने तुम्हें इस घर में लाने के लिए क्या क्या पापड़ नहीं मिले। अगर फिर से अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और घर से बाहर निकाल दिए गए ना, तो मैं या राशि दोनों में से कोई भी तुम्हें वापस नहीं ला पाएगा। इसलिए ठंडे दिमाग से काम लो। ये आपने क्या दे दिया? मैंने आपसे डिक्शनरी मांगा था और आपने मुझे डिक्शनरी दे दी। ओहो, तो तू ले गयो तो मारी डिक्शनरी। हूँ तो सोता सोता बेबाकड़ो थी गयो। आजकल जुवानी में कोई वस्तु का ठिकाना नहीं। I'm sorry अंकल, एक्चुअली जल्दी में जल्दबाजी, यही तो आजकल के जुवानियों का सबसे मोटे समस्या है। और ऊपर से अंग्रेजी का चार अक्षर सीख लिया ना। सॉरी मत यू, लाओ डे मेरा डिक्शनरी और तेरा शेक्सपियर है ना वो टेबल पे, जाके ले ले। तो मेरे को कौन सा किताब मांगता है? नहीं मुझे कोई किताब नहीं चाहिए। अब लाइब्रेरी में किताब नहीं तो क्या घमंडों का मिलेगा? दरअसल मुझे जानकारी चाहिए। ये इस
फोटोग्राफ में जो हवेली है, मुझे बस यही जानना है कि ये हवेली कहाँ है। बेटी, माउंट आबू लोग घूमने फिरने आ गए हैं, पर पहली बार इसे मीना देख रही हूँ। जो रिकॉर्ड चेक करे वो उधर हवेलियों का एनसाइक्लोपीडिया है। जी इसमें से तो कुछ पता नहीं चला, और बुक्स ढूंढनी होगी। समझ में नहीं आ रहा माँ का क्या रिश्ता हो सकता है उस हवेली से, और उस आदमी का मेरा पीछा करना, और फिर मुझे वो हवेली का फोटोग्राफ देना, ये सब क्या है? क्या राज है इसके पीछे? समझी नहीं सर, वो बिल्कुल काबू में नहीं आ रहा है, हमें सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी। डॉक्टर ये सब क्या हो रहा है?
आज तक की प्रैक्टिस में इतना वायलेंट पेशेंट कभी नहीं देखा। He's totally lost, किसी के काबू में नहीं आ रहा है वो। पर आप वो भाग गया है ना, मगर हम उसे ढूंढ लेंगे। डॉक्टर आप उसे ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं? वो किसी को कुछ भी कर सकता है। मैं इससे पहले से जानता हूँ, ये इतना वायलेंट कभी नहीं था। जाने आज इसे क्या हो गया। He's totally out of control. I hope कुछ गलत ना हो। मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं नहीं रुक सकती। बेसमेंट में कैसे आ गई? कहीं खराब तो नहीं हो गई? देखो मुझे जय वालिया से बात करनी है। तुम ऐसे अंदर नहीं जा सकते। कैसे नहीं जा सकता? ये सब क्या हो रहा है भुवन? What is going on here? सर मैंने मना किया लेकिन ये जबरदस्ती अंदर आ गए। हाँ मैं अंदर आ गया क्योंकि जय वालिया तुम तो यहाँ बड़े आराम से बैठे हो लेकिन तेरे सर से छत जा रही है। समझा क्या प्रॉब्लम है आपकी और मैं कैसे जिम्मेदार? क्योंकि तुम्हारे भरोसे मैंने अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी तुम्हारी कंपनी में लगा दी थी और तुम्हारी कंपनी के साथ मैं भी बर्बाद हो गया। तुम जैसे बड़े लोगों को तो कोई परेशानी नहीं होती, एक कंपनी डूबती है तो तुम दूसरी बना लेते हो, लेकिन मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? मेरा तो सब कुछ, घर बार सब कुछ नीलाम हो जाएगा। दो बेटियां हैं मेरी, बड़ी की शादी तय हो गई है, कहां से करूंगा मैं उसकी शादी? बताइए मुझे। अरे जय वालिया तुम क्या बताओगे? मैं बताता हूँ, मेरे और मेरे परिवार के सामने अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, वो ये कि उसके घर के सामने हम सब एक साथ आत्महत्या कर ले, जिसके कारण आज हमें ये दिन देखना पड़ा है। देखिए ऐसा कुछ नहीं होगा, हम सब संभाल लेंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ। आइए जय, इतना परेशान मत हो, पागल हो गया था वो। अपने परिवार को अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते हुए देखकर कोई भी पागल हो जाएगा।
आज मुझे अपनी बेबसी से डर लग रहा। जय कम ऑन यार, हर बार जिंदगी को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ऐसा कभी कभी हो जाता है जिंदगी, जब इंसान अपने आप को बेबस महसूस करे ना तो हंस लेना चाहिए। आज तक सारी जिंदगी मैंने दूसरों की मदद की, जब भी किसी ने मुझसे कुछ मांगा है मैंने उसे दिया है, और आज मैं किसी का हक भी नहीं दे पा रहा हूँ। घिन हो रही है मुझे अपने आप पर। सारी जिंदगी मैंने सिर्फ दूसरों को दिया है और आज मैं दूसरों से ले रहा हूं उनकी खुशियां, उनके बच्चों का भविष्य। अरे मुझे तो अपने बच्चों का भविष्य भी धुंधला नजर आ रहा है। ये सब क्या हो गया, कैसे हो गया ये सब? सारी जिंदगी मैं सर उठाकर जिया हूं और आज मैं इतना कमजोर हूं, इतना टूट चुका हूं कि मैं नजरें भी नहीं उठा पा। जय आपका इमोशनल हो रहे हो, जस्ट रिलैक्स। तो डोंट टेल मी टू रिलैक्स आदित्य, आई कांट रिलैक्स। सो नहीं पाता हूं मैं रात को, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी वजह से दूसरे लोग नहीं सो पा रहे। ये घर, ये ऐसा आराम, ये सब सिर्फ काटने को दौड़ता है। तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी टू रिलैक्स? जिस पानी के साथ साथ मेरे लिए मैंने आज की पानी को 7 मिनट की दुनिया नहीं दे पा रहा। आज इस आदमी की नजरों में मुझे मेरी हार नजर आ रही। जब भी बाली रोती है मुझे मेरी हार नजर आ रही। और आज जो तुम बैठ कर मुझे रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हो उससे भी मुझे मेरी हार नजर आ रही। और अपने हार का सामना करते करते मैं अंदर ही अंदर मर रहा हूं। तो प्लीज फॉर गॉड्स सेक डोंट टेल मी टू रिलैक्स।